हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम पुराणों के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि पुराणों से हमारा क्या तात्पर्य है, पुराणों के प्रमुख विषय क्या हैं और पुराणों की कितनी संख्या है और उनका पुराणों का सांस्कृतिक महत्व क्या है। देखिए क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुराण है वो हमारा जो प्राचीन साहित्य है उसका एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। विश्व साहित्य, हम कहें कि विश्व साहित्य का एक जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो पुराण है। पुराण का, जैसे इसका शाब्दिक अर्थ हम ये लें तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन अथवा पुराना, अर्थात इसमें पुरानी प्राचीन कथाएं हैं और उन कथाओं के माध्यम से है जो वैदिक ज्ञान को वो सरल और सहज ढंग से वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैदिक जो ज्ञान है वो एक तरह से वेदों के अंदर एक तरह से सूक्ष्म रूप में है, वो वैदिक ज्ञान को है वो प्रस्तुत किया गया है जो आम लोगों की पहुंच के बाहर, आम लोगों के समझ के बाहर है, बाहर थी। इसलिए वैदिक ज्ञान को सरल और सहज ढंग से है वो प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो पुराणों ने किया। तो पुराणों में ज्ञान और नैतिकता की जो कथाएँ हैं वो हमें मिलती हैं, जो कि उस काल में भी प्रासंगिक थी और वर्तमान में भी प्रासंगिक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो पुराणों के जो कथाएं हैं जो वो हैं प्राचीन, लेकिन वर्तमान में भी वो नवीन हैं। वर्तमान में भी उन कथाओं के द्वारा है वो हम अपना नैतिक उत्थान है वो कर सकते हैं, और वर्तमान में भी वो कथाएं हैं वो प्रासंगिक वो प्रतीत होती हैं, क्योंकि जो नैतिकता की, जो पुराणों के अंदर जो नैतिकता की जो कथाएँ मिलती हैं वो एक प्रकार से मानव सभ्यता की है, वो उनको आधारशिला वो कह सकते हैं। जिस प्रकार जो आपको जो रामायण और महाभारत के बारे में हमने अध्ययन किया उसमें हमने देखा कि रामायण और महाभारत का प्रमुख उद्देश्य था कि जो पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ हैं, उन चार पुरुषार्थों के बारे के अंदर है वो आम जनता को है वो बताना। तो उसी प्रकार पुराण है, उन पुराणों के अंदर भी है वो इन पुरुषार्थों को की शिक्षा दी गई है, तो किस तरह से धर्मार्थ और काम के द्वारा है, या काम अर्थ और काम को है वो धर्म के द्वारा पालन करते हुए किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसकी विवेचना है जिस प्रकार रामायण महाभारत में की गई है, और उनको शास्त्र कहा जाता है। उसी प्रकार हम पुराणों को भी हम शास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कथाओं के माध्यम से है वो पुरुषार्थ की प्राप्ति है, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति है उसके बारे के अंदर है, वो कथाओं के माध्यम से एक सरल ढंग से वो बताया गया जिससे कि आम लोग हैं वो उसको समझ सकें। तो जैसा कि हम आप जानते हैं कि पुराणों में जो प्राचीन ज्ञान है, नैतिकता है, भूगोल है, खगोल है, विज्ञान है, जो सामाजिक जो परंपराएं हैं, संस्कृति है और विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं वो पुराणों के अंदर विवेचित है। तो पुराणों में और जो एक प्रकार से इतिहास की जो अन्य जो साहित्य है उसमें अंतर केवल इतना ही है कि पुराणों के अंदर जो बातें कही गई हैं उसमें जो मुख्य चरित्र है वो देवी देवता है, और जो सहायक जो विषय हैं देवी देवताओं के सहायक वो राजा रानी ऋषि मुनि जो है और आम जनता है वो उसकी सहायक प्रतीत होती हैं। मतलब पुराणों का जो मेन चरित्र है वो देवी देवता हैं, और जो तीन देवता हैं इसमें पुराणों के प्रमुख जो तीन देवता हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। तो उसको ये प्रोमिनेंट है उसका जो पुराणों का जो विषय है उसके अंदर मेन विषय है वो ये देवी देवता, तीन देवी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और बाकी जो 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 राजा राजा महाराजा है, राजा राजा रानी है या ऋषि मुनि है या आम जनता है वो एक इनके सहायक है वो प्रतीत होते हैं। तो इनके माध्यम से है वो पुराणों के माध्यम से वो भारतीय संस्कृति है उसके जो विभिन्न पक्ष हैं उसको उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसको प्रचारित करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में जो बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं वो एक प्रकार से वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। उसी प्रकार से जो पुराण है, जो पौराणिक हिंदू धर्म है जो गुप्तकाल के अंदर है उसका जो पूर्ण विकास हमें दिखाई देता है, तो पौराणिक हिंदू धर्म है तो उसका प्रचार प्रसार करने का जो कार्य है वो पुराणों ने किया। तो इस तरह से पुराणों ने हिंदू धर्म के संरक्षण का है वो कार्य किया, और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का जो कार्य करने का जो कार्य है वो पुराणों ने किया। तो लेकिन पुराणों की रचना इसलिए भी की गई क्योंकि
जो वेद और उपनिषद का जो पठन और श्रवण का जो अधिकारी है वो केवल उस वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण क्षेत्रीय और वैश्य ही है, वो उसका श्रवण और उसका पठन वो कर सकते थे जो आपका वेदों का और उपनिषदों का, लेकिन जो रामायण महाभारत जो पुराण है उनका सुनने का जो अधिकार है वो स्त्रियों को भी था और शूद्रों को भी था। इसलिए जो पुराण है वो एक प्रकार से ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होते हैं आम जनता के लोगों को, आम जनता तक वेदों का संदेश पहुंचाने में है वो पुराण ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें प्रतीत होते हैं। तो ये जो पुराणों का जो 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 पुराणों का जो संकलन का जो कार्य है वो ऐसा कहते हैं कि इनके आदि संकलन करता है वो महर्षि लोमहर्ष थे, उनके पुत्र उग्र सर्वा थे, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इन पुराणों का जो संकलन करने का कार्य जो वेदव्यास जी ने है वो किया, और वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा के अंदर इन पुराणों का है वो संकलन किया, और पुराणों के अंदर जो जो धर्म है, इतिहास है और जो विज्ञान है, विभिन्न जो विषयों का जो वर्णन है इसके आधार पर इन्हें पंचवेद भी हम कहते हैं। तो पुराणों का जो विकास होता है, इस पुराणों के जो विकास की परंपरा, हालांकि जो पुराणों की विकास की परंपरा लंबी है, अधिक मतलब जो आप वैदिक साहित्य रचा गया उसके बाद के अंदर है वो पुराणों की रचना की गई, और एक प्रकार से रामायण महाभारत के समकालीन इसकी रचना की गई, और हम ये कह सकते हैं गुप्तकाल के अंदर है वो लगभग सभी पुराणों की रचना हो चुकी थी, और बाद में 12वीं शताब्दी तक है ये पुराणों की रचना है वो होती है। लेकिन पुराणों का जहाँ तक विकास की बात है कि जो जो वैदिक धर्म के अंतर्गत है, जो जो व्यवस्था थी उसके अंदर जो अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, जो अश्वमेघ के अंतर्गत जो आख्यान सुनाए जाते थे, उन आख्यानों ने भी एक तरह से पुराणों का रूप ग्रहण कर लिया। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यज्ञ से पुराणों का जन्म हुआ। जो वैदिक यज्ञ थे, जो राजा था वो अपने चक्रवर्ती आदर्श स्थापित करने के लिए जो अश्वमेघ यज्ञ करता था, उसमें जो आख्यान सुनाए जाते थे, जो कथाएँ सुनाई जाती थी, तो उन्होंने एक प्रकार से पुराणों का रूप है वो ग्रहण कर लिया। और पुराणों के अंदर जैसे आप जानते हैं कि इसमें पांच विषय हैं, या इसके पांच जो प्रमुख लक्षण हैं वो बताए गए हैं, जिसमें एक सर्ग है, सर्ग का मतलब होता है षष्ठी का निर्माण, और प्रतिसर्ग है उसका अर्थ है कि प्रलय के बाद पुनः षष्ठी का निर्माण, वंश है उसका मतलब देवताओं ऋषियों का वंश है, मनवंतर है जिसके अंतर्गत जो चार महायुग है जिसमें आपको सतयुग है, त्रेता है, द्वापर और कलयुग है, और जो पाँचवा वंशानुचरित्र है जो जो कलयुग के ऐतिहासिक राजाओं का वर्णन है इसमें मिलता है। जैसे कलयुग का जो प्रारंभिक जो राजा था वो परीक्षित था, तो परीक्षित नामक शासक से कलयुग का प्रारंभ माना जाता है, तो जिसका प्राचीनतम उल्लेख हमें अथर्ववेद के अंदर मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 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 पुराण है उन पुराणों के जो विषय हैं वो हालांकि पाँच विषय हैं, लेकिन सभी जो जो पुराण है उनके अंदर इन पाँच विषय है उनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो एक प्रकार से क्या है कि जो 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 यज्ञ विशेष जो जो यज्ञ विशेष जो किया जाता था जिसमें अश्वमेघ यज्ञ से जो आख्यान निकले हैं उसमें उससे क्या हुआ कि अब पुराणों से ब्राह्मणों का संबंध टूट गया, और अब पुराणों का जो वाचन करने का जो काम है वो एक प्रकार से कथावाचकों ने या चारणों ने वो अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि वेदों का पठन पाठन का अधिकार है, पठन पाठन का अधिकार ब्राह्मणों के पास था, लेकिन पुराणों का जो जो वाचन है उसका अधिकार है वो चारणों और कथावाचकों ने वो ले लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईस्वी सन के प्रारंभ के समय जो भागवत लोक धर्मों में एक तरह से जो पुराण है उनको प्रचार प्रसार करने का वो एक प्रकार से प्रमुख साधन है, वो पुराण है वो माने जाते हैं। तो पुराणों की जहाँ तक संख्या की बात है तो पुराणों के अंदर हमें ये उल्लेख मिलता है कि 18 प्रकार के जो पुराण हैं, पुराणों की संख्या 18 मिलती है, जिसमें ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, भागवत पुराण है, नारदीय पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है, भौष्य पुराण है, ब्रह्मवत पुराण है, लिंग पुराण है, वरा पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, क्रम पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है। ये 18 पुराण है, इसकी PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इन इन जो 18 पुराण हैं, इन 18 पुराणों के अंदर 6 जो जो पुराण हैं वो ब्रह्मा से संबंधित है, और 6 विष्णु से हैं, और 6 महेश से संबंधित माने जाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न देवताओं को ये संबोधित है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इन पुराणों के अंदर कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी हमें मिलती है। जैसे मत्स्य पुराण के अंदर सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है,
विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा का जो प्रथम बार उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको इन कथाओं से अलग करके हमें देखने की ज़रूरत है। हम इन इन इन, इन कथाओं के माध्यम से, क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर है वो इतिहास को उस रूप के अंदर है वो नहीं लिखा गया जिस रूप में यूनान के अंदर है या यूरोपीय देशों में लिखा जाता था। इन्होंने एक तरह से व्यक्ति का नैतिक उत्थान है या पुरुषार्थों की शिक्षा देना ही इतिहास का प्रमुख विषय माना जाता था कि व्यक्ति को पुरुषार्थ की शिक्षा कैसे दी जाए। तो वही एक प्रकार से इतिहास था। तो पुराणों के अंदर भी इन कथाओं के माध्यम से है वो उन पुरुषार्थों को है कि शिक्षा को एक सरल भाषा में, एक सहज भाषा के अंदर वो प्रस्तुत किया गया जिससे कि आम व्यक्ति है वो उसको इसको समझ सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पुराण है, अब इन विभिन्न जो पुराण है उन पुराणों के अंदर है वो एक जो 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 ये विभिन्न प्रकार के जो पुराण है उन पुराणों 18 पुराण है, उन 18 पुराणों के अंदर जो एक प्रकार से अलग अलग जो बातों का उल्लेख किया गया है, अलग अलग इसके विषय हैं उसका उल्लेख किया गया है। जैसे अब हम कह सकते हैं कि जो कोई भी जो धर्म होता है वो धर्म को एक तरह से उसके चार स्तंभ होते हैं। एक एक दर्शन होता है, एक कथा कहानी होती है, एक अर्चना वंदन होता है, एक आचार संहिता होता है। तो हर कोई भी धर्म हो उस धर्म के चार पिलर होते हैं। तो जिसमें उस सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर, मजबूत पिलर होता है वो दर्शन होता है। तो हिंदू धर्म का या हम ब्राह्मण धर्म की हम बात करें तो उसके सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो उपनिषद और गीता है। तो उपनिषद और गीता है में जो धर्म की बात की गई है वो बिल्कुल सूक्ष्म है, एक तरह से उसमें गूढ़ रहस्य दिया गया है जो आम व्यक्ति है उनको पढ़ करके वो नहीं समझ सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पुराणों के अंदर क्या है कि कहानियों के माध्यम से है वो जो गूढ़ बातें हैं, जो दर्शन की बातें हैं, जो वेद और जो उपनिषद और गीता के अंदर जो कही गई हैं उनको एक प्रकार से है वो स्थूल रूप से है, वो एक तरह सरल रूप के अंदर सहज रूप से है वो प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो पुराणों ने किया। तो पुराण के अंदर क्या है कि पुराणिक जो जो धर्म से संबंधित जो 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 बात कथाएँ हैं वो जब पुराणों में कही जाती है तो इनको इतिहास पुराण है वो कह दिया जाता है। और धर्म के अलावा जो बातें कही जाती हैं कथाओं के माध्यम से अन्य विषयों पर जो चर्चा की जाती है तो उसको हम पुराण कह सकते हैं। तो इतिहास पुराण है जिसमें धार्मिक कथाओं को है वो एक प्रकार से कहानियों के माध्यम से वो प्रस्तुत करने का वो प्रयास किया गया। इस प्रकार से पुराण है वो हम कह सकते हैं कि हिंदू जो भारतीय संस्कृति है उसकी महत्वपूर्ण पिलर जिसको हम कह सकते हैं। और इससे हमें जो जो उत्तरवेदी काल है, उत्तरवेदी काल से लेकर के गुप्त काल तक के जो या नंद वंश के काल तक की हम बात करें तब तक का एक महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसकी जानकारी का जो आधार है वो महत्वपूर्ण आधार है वो पुराण ही है। तो इस दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से भी है जो पुराण है वो एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो माने जा सकते हैं। तो हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो जो ब्रह्म पुराण से लेकर के जो अंतिम पुराण है जिसको ब्रह्मांड पुराण कहा जाता है, तो 18 पुराणों के जो प्रमुख विषय क्या है, किन किन बातों का विवेचन किया गया है, उसका संक्षेप में विवेचन अगले व्याख्यान में करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।